ये तो सब जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर को हुई थी। यही वो वक्त था जब बॉम्बे में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। इतिहास के पन्नों को पलटे तो याद आता है कि रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम की कोशिशों के बाद कांग्रेस का जन्म हुआ था। लेकिन क्या आपको कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम याद है? क्या ये याद है कि तब से कांग्रेस के अब तक कितने अध्यक्ष रहे? 135 साल के इतिहास वाली कांग्रेस का वो युग जिसके इतिहास के पन्नों में सिमटे हैं कई ऐसे अध्याय जो आज भी गवाही देते हैं उसके उन अध्यक्षों की जिनका गांधी परिवार पर कोई प्रभाव नहीं था। इसके साथ ही साल 1915 में अफ्रीका से लौटकर भारत आए मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने की कांग्रेस को न सिर्फ जिंदा किया बल्कि उनके अस्तित्व की वो पटगथा लिखी जो आज भी मिटाई नहीं मिट सकती है। गांधी का व्यक्तित्व उनके अध्यक्ष न रहने पर भी बना रहा। 1920 से भारत की आजादी यानी 1947 के बीच इस युग को माना जाए तो इस युग में पहले कांग्रेस अध्यक्ष पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने 1920 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो वही पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री भी बने और 1985 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। जब राजीव गांधी की हत्या हुई तब फिर कांग्रेस के सामने अध्यक्ष को लेकर संकट खड़ा हुआ, क्योंकि शुरुआत में सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति में आने में रुचि नहीं दिखाई। 1992 से 96 तक पीवी नरसिम्हा राव ने कांग्रेस का नेतृत्व किया तो 1996 से 98 तक गांधी परिवार के वफादार माने जाने वाले सीताराम केसरी ने। इसके बाद सोनिया गांधी का सक्रिय राजनीति में पदार्पण हुआ और 1998 से 2017 तक करीब 20 सालों तक सोनिया ही कांग्रेस की अध्यक्ष रही। राहुल गांधी को 2017 में पार्टी की कमान सौंपी, लेकिन 2019 के आम चुनावों में बड़ी हार के बाद राहुल ने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की और कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर के नेता को होना चाहिए। तो तब से कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर फिर सोनिया ने पार्टी को संभालने की कोशिश की है, जिसके बाद आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कराया गया है। टेस्ट रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।